सबसे पहले वो नाम जान लें जो प्रदेश में वीरभद्र गुट में है और वो भी जो भविष्य की राजनीति में कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाला है। सबसे पहला नाम सुधीर शर्मा का है क्योंकि रणनीतिकार की प्रमुख भूमिका उनकी अब देखने को मिलेगी। लगातार रामपुर के महल में राजमाता प्रतिभा सिंह और विधायक विक्रमादित्य के साथ उनकी उपस्थिति इस बात को तो तय करती नजर आ रही है कि सुधीर उनके परिवार की राजनीति के रणनीतिकार होंगे। सुधीर के बाद एक लंबी कतार नेताओं की ऐसी है जो परिवार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मुकेश अग्निहोत्री को नेता विपक्ष की भूमिका में लाने वाले वही थे। इसके साथ ही बहुत से नेता ऐसे भी रहे जो दिल्ली में वीरभद्र के विरोध की राजनीति का सीधा लाभ लेते रहे, लेकिन अब उनके जाने के बाद कांग्रेस में विरोध की राजनीति वीरभद्र समर्थित चेहरे और दूसरे नेता करते रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से ठाकुर सुखविंदर सिंह है जो आज के दौर के सक्रिय नेता है। वीरभद्र समर्थित नेता साथ चल पाने में अगर सफल होते हैं तो बड़ा संदेश हाईकमान को हो सकता है। वीरभद्र समर्थित कुछ नाम जो प्रदेश में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, ठाकुर कौल सिंह, कुलदीप राठौर, सुधीर शर्मा, मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, जगत सिंह नेगी, मोहनलाल ब्राक्टा, ठाकुर सिंह भरमौरी जैसे नाम हैं, जिनमें से कुछ बुजुर्ग चेहरे अब रिटायर हो चुके हैं लेकिन तुम्हें ना भूल पाएंगे कहते जरूर नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ नाम छूट भी गए हों, लेकिन सभी नाम सक्रिय राजनीति में हैं। अब ठाकुर रामलाल, सुखविंदर सिंह सुखू, सुखराम परिवार, जीएस बाली और आनंद शर्मा जैसे बड़े चेहरे अपने समर्थकों को क्या इशारा करते हैं, ये सवाल महत्वपूर्ण है जिसका कारण कांग्रेस कम और भाजपा से डर अधिक है। भाजपा से डर का कारण क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। पूरे देश में भाजपा कांग्रेस को बड़े स्तर पर तोड़ने का प्रयास करती रही है और माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही समीकरण राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं नड्डा का वीरभद्र परिवार से पारिवारिक संबंध और जयराम से उनका भारी सहयोग चर्चा में है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए एकजुट का कांग्रेस पार्टी का संदेश बिना वीरभद्र के देना आसान नहीं है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में अगर कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए परेशानी पैदा जरूर कर सकते हैं। अगर हम उस मंच की बात करें तो उनमें प्रमुख रूप से वीरभद्र सिंह के परिवार से प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह, दोनों में से किसे कांग्रेस पार्टी प्रमोट करेगी, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ ग्रुप के बड़े रणनीतिकार जिनमें सुधीर शर्मा, मुकेश अग्निहोत्री और आशा कुमारी आते हैं, क्या वे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू, ठाकुर रामलाल और ठाकुर कौल सिंह जैसे चेहरों के साथ संबंध बनाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा में है। और कांग्रेस पार्टी चेहरे के साथ चुनाव में आएगी या फिर बिना चेहरे के, इसको लेकर भी आम जनता में अब चर्चा होने लगी है। आज तक हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनाव हुए हैं तो वीरभद्र सिंह ही कांग्रेस पार्टी का चेहरा हुए हैं और प्रदेश की जनता को शायद कहीं ना कहीं उनकी आदत सी पड़ गई है। अब ऐसी स्थिति में देश की कांग्रेस पार्टी क्या संदेश हाईकमान को देती है, ये एक बड़ा सवाल है। और हाईकमान भी प्रदेश के नेताओं की तरफ नजर गड़ाए हुए हैं कि कांग्रेस बिफरी हुई नजर आएगी या फिर एकजुट कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में नजर आएगी।